सत श्रीकाल जी, पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। राजपाल दे संबोधन च सरकार दा रोडमैप, 300 यूनिट मुफ्त बिजली अते औरतां नूं 1000 रुपए देण दा वादा। पंजाब विच आप सरकार दे कैबिनेट दे विस्तार तो बाद राजपाल ने विधानसभा नूं संबोधन कीता। नवीं सरकार पंजाब विच ट्रांसपोर्ट माफिया नूं खत्म करन लई इक कमीशन बनाउण जा रही है। इस विच सरकार 15 मेंबरां नूं नामजद करेगी। विधानसभा सैशन दे दूजे दिन राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दे संबोधन राही सूबे दी नवीं सरकार दे 5 साल दे कार्यकाल दी रूपरेखा उलीकी गई है। सरकार ने कहा कि उह सूबे दे लोकां नूं 300 यूनिट मुफ्त बिजली देण दा अपना वादा निभा रही है। संबोधन दौरान राजपाल ने पंजाब दे 3.5 लाख करोड़ रुपए दे कर्जे ते भी चिंता प्रगटाई है। दोपहर दे सेशन दौरान राजपाल ने अपने 45 मिनट दे संबोधन विच कहा कि सरकार दिल्ली दी तर्ज ते सूबे दी सेहत प्रणाली नूं बेहतर बनाउण लई 16,000 पिंड वार्ड क्लीनिक खोलण जा रही है। इस दे नाल ही दिल्ली दी फरिश्ते योजना वर्गी नवी योजना शुरू कीती जाएगी, जिस तहत कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति नूं लै के किसी भी हस्पताल विच दाखिल करवा सकता है, जिथे उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा। सरकार मौजूदा असामियां लई स्थाई भर्ती करेगी अते आउटसोर्स्ड ठेके ते अध्यापकां दीआं नौकरियां नूं नियमित करन लई नीति तैयार करेगी। सरकार जल्द ही सूबे दीआं 18 साल तों वध उमर दीआं औरतां लई 1000 रुपए महीना भत्ता शुरू करन जा रही है। बुजुर्ग औरतों नूं दित्ती जाण वाली बुढ़ापा पेंशन तो इलावा सरकार वल्लों लाभपात्रियों के खात्यां विच 1000 रुपए जमा करवाए जाणगे। पंजाब दी नवीं सरकार ने शहीदां दे परिवारां नूं दित्ती जाण वाली राहत राशि दुगनी कर दित्ती है। सरकार ने ऐलान कीता है कि हुण शहीद दे वारसां नूं 50 लाख नहीं सगों 1 करोड़ रुपए की सहायता देवेगी। राजपाल ने संबोधन विच कहा कि सूबे विच इंस्पेक्टर राज, छापेमारी राज अते नजायज टैक्स नूं खत्म कीता जावेगा। कारोबारियों नूं सुरक्षित माहौल देण दे नाल नाल सरकार पिछले सारे केस वापस लेवेगी। सूबे दी नवीं सरकार जलंधर विच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाउण जा रही है। इस दे नाल ही नौजवानों नूं खेडां दी सिखलाई देण लई जलंधर विच देश दी सब तों वड्डी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। इहो जिही जरूरी जानकारी लई जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल। सत श्री अकाल।